नमस्ते। आज के पाठ में हम विवाह के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, वरन दो परिवारों का भी मेल है। विवाह जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा का नाम है। आइए इन्हीं सब बातों को इस पाठ के द्वारा ध्यान से सुनते हैं। आज मेरी बहन की शादी है। मेहमान तथा सगे संबंधी सभी इसमें निमंत्रित है। आज सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन हो रहा है। दुल्हन शादी के जोड़े में है। वह कीमती आभूषणों से सुशोभित विवाह मंडप में प्रवेश करती है। उसके हाथों की मेहंदी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। अचानक शहनाइयों से सारा वातावरण गूंज उठा है। वर वधु दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों पवित्र अग्नि के सामने बैठे हैं। पंडित जी तुरंत विवाह विधि प्रारंभ करते हैं। कन्यादान के बाद दूल्हा दुल्हन सात फेरे लेते हैं। सभी मेहमान नव विवाहित दंपति को फूलों से आशीर्वाद देते हैं। सारा परिवार उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता है। मेहमान वर वधु को बधाई देने के लिए उनसे भेंट करते हैं। कुछ समय बाद विदाई की घड़ी आ जाती है। सभी की आंखें नम हैं। मेरी बहन सबसे मिलती है। तब बारात के साथ उसकी विदाई होती है। वधु अपने ससुराल पहुंच जाती है। इस तरह शादी का समारोह पूरा होता है। आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखते हैं। शब्द है जोड़ा। अर्थ है विशेष अवसर के लिए तैयार वस्त्र, आभूषण, गहना। विवाह विधि, विवाह संबंधी रीति। नव विवाहित, जिसकी नई नई शादी हुई है। नम, भीगी हुई। सात फेरे लेना, सात बार परिक्रमा करना। आइए अब इन कठिन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। दुल्हन शादी के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही है। महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती हैं। हिंदू विवाह विधि में अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। नव विवाहित दंपति को सभी लोगों ने बधाई दी। विदाई की घड़ी में सबकी आंखें नम थी। विवाह के साथ फेरे लेने के साथ सात वचन भी लिए जाते हैं। आइए इस वाक्य को सुनिए। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसके चलने की विशेषता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द हैं, अतः जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए अब कुछ अन्य उदाहरणों से
क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। अचानक शहनाइयों से सारा वातावरण गूंज उठता है। वर वधु ने ध्यान पूर्वक सुना। अभी अभी इन दोनों की शादी हुई है। शादी का दृश्य सचमुच सुंदर था। तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा। आइए क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। क्रिया विशेषण प्रतिदिन, क्रिया जाना, मत आना, यहां रहना, कम बोलना, बार बार आना, कितना बताना, निरंतर चलना, तेज दौड़ना, अवश्य आना, ऊपर जाना। आशा करते हैं कि इस पाठ से आप लोगों ने विवाह के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की होगी और क्रिया विशेषण को भी समझा होगा। धन्यवाद। नमस्ते।